प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास थर्ड की वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। ये आपकी पहल कार्य पुस्तिका की बच्चों है, रिकॉग्नाइज एंड अंडरलाइन द गिवन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक लेटर दे रखा है और सामने उसके वर्ड्स दे रखे हैं, तो सामने वर्ड्स में से हमें जो ये लेटर दे रखा है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो ये है ग्लो। ग्लो में जो बच्चों एल है, यहां आपको वो उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो ये आपको अंडरलाइन करना है। ये फाल है, फाल में दो हैं, तो हम दो यहाँ अंडरलाइन करेंगे। लोक में एल पर यहाँ स्टार्ट में अंडरलाइन करेंगे। ये फ्लोक है, फ्लोक में एल में हमें अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट लेटर है बच्चों एन, स्मॉल लेटर है, तो एन को ढूंढना है। पिन, पिन में एन दे रखे है ना, उसको अंडरलाइन करना है। नोज में एन स्टार्ट में दे रखे है, इनको हमें अंडरलाइन करते जाना है। ये बच्चों इंग्लिश है, तो इंग्लिश में एन ये रहा, और मिसिंग में एन हमें वो लेटर ढूंढना है, उसको अंडरलाइन करना है। ये है बच्चों डब्ल्यू, डब्ल्यू हमें ढूंढना है, तो विंडो में डब्ल्यू दो है, एक ये रहा और एक ये रहा। विंडो में दो डब्ल्यू है, तो दोनों पर अंडरलाइन करेंगे। वॉल, वॉल में डब्ल्यू पर अंडरलाइन करेंगे। अलाउ, अलाउ में करेंगे। और ग्रो, नेक्स्ट लेटर है बच्चों वाई, तो वाई हमें ढूंढना है। प्योरली में वाई ये रहा, 90, वाई योक और यो यो, तो अंडरलाइन करते जाएंगे। ये है बच्चों ओ, ओ बच्चों यहाँ पर कोट में ओ सेंटर में दे रखा है। रोड में ये रहा बच्चों ओ, और रेडियो में ओ ढूंढेंगे, ऑरेंज में ओ ढूंढेंगे। नेक्स्ट है बच्चों लेटर ई, तो यहाँ पर शेप में ई ढूंढेंगे, राइट में भी ई ढूंढेंगे, हैवी में ई ढूंढ लिया, और पियर में बच्चों दो ई है, तो दोनों पर लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों लेटर डी, तो राउंड में डी ये रहा, ग्राउंड में डी ढूंढेंगे, रेड में डी ढूंढेंगे, और ड्राइव में भी डी ढूंढेंगे। जी, जी में गर्ल में जी पर लगाएंगे, फिर ग्ली में, और इग्लू, और ये है बच्चों प्लेइंग। नेक्स्ट है बच्चों लेटर जे, तो जग में जॉग, मेजर में जे, और जज में जे ढूंढेंगे। नेक्स्ट लेटर है बच्चों टी, तो सॉफ्ट में टी ये रहा, टमेटो में दो टी दे रखे हैं, तो दोनों पर अंडरलाइन करेंगे। टाइगर में भी टी ढूंढेंगे और मस्ट में भी टी ढूंढेंगे। तो बच्चों इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको जो सामने लेटर दे रखा है, सामने वर्ड में उन लेटर्स को सर्च करना है, और उसके बाद उनको अंडरलाइन करते जाना है। तो बच्चों आपको खुद करना है, ये तो ओनली आपको सिखाने के लिए हम बताते हैं, काम तो आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि पेपर तो आपको ही देना है ना, इसलिए आपको ओनली सीखना है कि ये काम किस तरह से किया जाता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा लर्न विद भरत अरोड़ा के नाम से, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।